कर्ण अर्जुन पिछले जन्म में कौन थे? महाभारत की अनसुनी कहानी। अर्जुन कर्ण की पिछले जन्म की क्या कहानी है और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण की क्या भूमिका थी? हिंदू धर्म के अनुसार हमारे आज का जीवन हमारे पिछले कर्मों से जुड़ा होता है। कहते हैं अच्छे कर्म और अच्छे काम से ही हमें अच्छा भविष्य और अच्छा जीवन मिल सकता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कर्ण और अर्जुन की दुश्मनी सिर्फ महाभारत तक सीमित नहीं थी बल्कि कई जन्मों से चल रहा था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अर्जुन पूर्व जन्म में नारायण के जुड़वां भाई नर थे और कर्ण अपने पूर्व जन्म में दंभोद्भव नाम का असुर था। दंभोद्भवा ने भगवान सूर्य की तपस्या करके उनसे 1000 कवच का वरदान मांग लिया था। इस कवच के साथ एक और वरदान जुड़ा था कि हर कवच को तोड़ने के लिए 1000 साल तपस्या करनी पड़ेगी और कवच के टूटते ही वह व्यक्ति भी मर जाएगा जिसने उसे तोड़ा है। नर और नारायण ने बारी बारी से तपस्या करके दंभोद्भवा के 999 कवच तोड़ दिए और जब एक कवच बच गया तो असुर सूर्य लोक में जाकर छुप गया। महाभारत के युद्ध में इस असुर का अंत अर्जुन ने किया। महाभारत की कथा में एक ही व्यक्ति था जिसके बारे में मान्यता थी कि उसने कवच कुंडल के साथ जन्म लिया था, यह कोई और नहीं बल्कि कर्ण ही थे। दरअसल कर्ण ही पूर्व जन्म में दंभोद्भवा नामक असुर था। कर्ण का वध करने के लिए ही कृष्ण और अर्जुन को वापस पुनर्जन्म लेना पड़ा था। पूर्व जन्म में जब दंभोद्भवा का कवच टूटता और नर नारायण में से एक की मृत्यु होती तो दूसरा अपने तप से दूसरे को जीवित कर देता और दंभोद्भवा से युद्ध करने लगता, तब तक दूसरा भाई तप करता रहता। इस तरह नर नारायण के तालमेल से दंभोद्भवा असुर का अंत हुआ। पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के जन्म की बात की जाए तो वह भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं, यानी इससे पहले भगवान श्री कृष्ण का 7 बार जन्म हो चुका था। लेकिन मूल रूप से यह माना जाता है कि कृष्ण पूर्व जन्म में नारायण ही थे।